हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल एंड नाइन। आई एम शिल्पी एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू रीयूज योर ओल्ड साड़ीज। इसमें मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की ड्रेसेस शेयर करूंगी। मतलब मैं इसमें आपके साथ लहंगा और गाउन नहीं शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस शेयर करने वाली हूँ। मतलब आप अपनी प्रॉपर इंडियन वेयर साड़ी के साथ एक वेस्टर्न ड्रेस रेडी करा सकते हैं, वो भी बिल्कुल जो साड़ी आप बिल्कुल रीयूज नहीं करते हो या पहन पहन के बोर हो गए होंगे। आपकी खुद की साड़ी होगी, आपकी मम्मी की होगी, भाभी की होगी, सिस्टर की होगी, उनसे साड़ी को ले लीजिए और डिफरेंट टाइप्स की ड्रेसेस बनाइए। अगर आप मतलब कहीं वेकेशन पे जाने का सोच रहे हैं तो वो ड्रेसेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी। मैंने अपनी दिमाग की क्रिएटिविटी को निकाला, सोचा कुछ लहंगा और गाउन ना बना के कुछ डिफरेंट टाइप से साड़ी को रियूज किया जाए। बिकॉज लहंगे एंड गाउन वाली वीडियो तो आपने बहुत देखी होगी, तो इसमें मैं आपके साथ कुछ वेस्टर्न टच की ड्रेसेस शेयर करूंगी जो साड़ी बनवाई है मैंने साड़ी से। ये साड़ी जो साड़ी है वो मेरी मम्मी की है, तो मैंने उन्हीं से ली। मम्मी भी उनमें पहन पहन के बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा उनसे कुछ डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस बनवाई जाए, तो शायद आपके लिए वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल हो। अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आप लाइक करते हैं तो मुझे लगता है जो मैं वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपको पसंद आ रही है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। और 50K के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अभी भी 85% लोग ऐसे हैं वीडियोस को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरी वीडियोस और कंटेंट पसंद आता है। सिर्फ 1 सेकंड लगता है। मोर अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है style.n.dine। तो चलिए स्टार्ट। इन ड्रेसेस को बनाने के लिए साड़ी यूज की है वो मोस्टली मैंने शिफॉन की साड़ी यूज की है। अगर आपके पास शिफॉन की ना हो तो आप जॉर्जेट की कुछ बनवा सकते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि शिफॉन की साड़ी अभी समर्स है और ऐसे ड्रेसेस के लिए शिफॉन की साड़ी काफी ज्यादा अच्छी होती है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ड्रेस से। फर्स्ट जो ड्रेस मैंने बनवाई है वो है ये शिफॉन की साड़ी से। लुक एट दिस गाइस, इतनी ज्यादा प्रीटी एंड इतनी ज्यादा क्लासी ड्रेस लगी है मुझे ये पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा। सबका मैंने इसके साथ आपका ट्राई ऑन किया है, तो आपको लुक समझ में आ जाएगा कि बनने के बाद ये इसका लुक कैसे आया है। इसको मैंने पूरा एंकल एंड ड्रेस टाइप बनवाया है। यहाँ पर मैंने फुल स्लीव्स लगवा के आगे इसे कफ बनवाए हैं, छोटी छोटी प्लेट्स की डिटेलिंग है, थोड़ी मतलब पफ टाइप जो होता है यहाँ पर भी हल्की हल्की सी प्लेट्स हैं। वी नेक है यहाँ पर, नेक बिल्कुल प्लेन रखा है क्योंकि इस साड़ी का प्रिंट इतना ज्यादा खूबसूरत है, इसमें और तामझाम की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने नेक को प्लेन रखा है। यहाँ पर प्लेट्स की डिटेलिंग है छोटी छोटी सी, बैक से भी ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स की डिटेलिंग है। एंड इसकी पूरी लेंथ जो है वो एंकल लेंथ है। यहाँ पर मैंने इसमें स्लिट की डिटेलिंग दिलाई है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर स्लिट है इसमें। तो अभी मैंने ट्राई ऑन किया, उसमें समझ में आ जाएगा क्योंकि इसका प्रिंट ऐसा है कि आपको ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर ये बेल्ट है एक, जिससे कि जो वेस्ट है अगर थोड़ा बहुत लूज आता है तो उससे फिट हो जाए। बैक से भी आप देखिए, इसमें मैंने यहाँ पर ये कॉटन का इसमें लाइनिंग लगवाया है। जब भी आप शिफॉन का कुछ ड्रेस बनवाते हैं तो लाइनिंग का खास करके ध्यान रखिए, बिकॉज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है तो लाइनिंग अच्छी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने स्लीव्स में लाइनिंग नहीं लगवाई है, लेकिन जो ये वाला पार्ट होता है वेस्ट तक उसमें मैंने लाइनिंग लगवाई है। एक्चुअली मैंने टेलर भैया को बोला तो ये था कि आप थाइस तक लगा दीजिए, बिकॉज थाइस तक लाइनिंग होना जरूरी है जहां तक स्लिप था, लेकिन उन्होंने बस यहीं तक लगवाई। तो मुझे भी थोड़ा सा इसमें कारीगरी करवानी है, लाइनिंग वगैरह लगवानी है, वरना जो ये ड्रेस है वो इतनी ज्यादा प्रिटी लग रही है बहुत। मतलब शिफॉन की साड़ी अगर आपके पास कुछ छोटे छोटे फ्लावर वाली डिटेलिंग की साड़ी है तो उसमें से कुछ आप इस टाइप की ड्रेस बनवा सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी गाइस बेहद खूबसूरत लगेगी। अभी मैंने और भी ड्रेसेस बनवाई है साड़ी से, ये लॉन्ग है, शॉर्ट ड्रेसेस भी कुछ मैंने बनवाई है, स्कर्ट्स वगैरह बनवाई है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी वरना वो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। अभी मेरे पास यहाँ पर जो अवेलेबल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप ऐसी वाली जो ड्रेसेस है वो शिफॉन में बनवा सकते हैं, आपके पास शिफॉन की साड़ी है जॉर्जेट की साड़ी में बनवा सकते हैं। और ये वाली साड़ी बिल्कुल खराब थी, मम्मी की नीचे जो फॉल वाला पार्ट होता है उसमें अटक के बेकार भी हो गई थी, तो मैंने अब इसको ऐसे रियूज कर लिया और ये ड्रेस सीरियसली गाइस बहुत अच्छी लगी है। और इसका जो प्राइस लिया है उन्होंने आई थिंक 800 समथिंग लिया है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। नेक्स्ट जो मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी वो मैंने बनवाया है सिल्क की साड़ी से, एक मतलब बहुत लाइट वाली जो सिल्क की साड़ी होती है उससे 3-piece सूट, स्ट्रेट सूट, जैकेट एंड पैंट्स। तो मैं आपको पहले जैकेट दिखाती हूँ, ये सूट है इसका एंड पैंट। तो
तीनों चीज मैंने इस साड़ी में से बनवाई है। जो साड़ी का पल्लू वाला पार्ट होता है, क्योंकि वो हैवी होता है, उस पर काफी ज्यादा एम्ब्रॉयडरी थी इस साड़ी पे, तो मैंने उसकी ये जैकेट बनवाई है। मतलब ये जैकेट इतनी ज्यादा वर्सटाइल है इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट करने के लिए, या जीन्स के साथ या फिर स्कर्ट के साथ पहनने के लिए ये जैकेट बहुत रीयूज होगी। अगर आपके पास साड़ी का मतलब आगे वाला जो फॉल वाला पार्ट होता है वो खराब हो गया है और आपका पल्ला बहुत अच्छा है, तो आप खाली उससे ऐसी जैकेट भी बनवा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। तो आप देखिए, मतलब मैंने इसमें यहाँ पर बटन्स या हुक्स की कोई डिटेलिंग नहीं है, ओपनेबल है ये पूरी, और यहाँ पर पूरे से ना, और बैक से भी पूरा इसमें ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी है, क्योंकि जो पल्ला था उसी जो पल्लू वाला पार्ट था उसी से ये पूरी जो जैकेट है वो बन गई है, पूरी फुल स्लीव्स की है। तो इसको मैं जीन्स के साथ अंदर स्पैगेटी और सैंडो पहन के भी बहुत तरह से ऐसी जैकेट को यूज करूंगी। तो आप भी ऐसे, मतलब अगर आपका फॉल वाला पार्ट खराब हो गया है तो कुछ उससे आप ऐसे जैकेट बनवा सकते हैं। एंड इसके अंदर भी मैंने, आप देखेंगे कि लाइनिंग, मतलब जो कॉटन वाला फैब्रिक होता है पतला वाला, उसकी लाइनिंग डलवाई हुई है, क्योंकि सिल्क का फैब्रिक होता है हल्का सा इरिटेट कर सकता है, और वैसे भी कपड़े का वर्थ बढ़ाने के लिए लाइनिंग का लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में मैंने बनवाया है उसके ये स्ट्रेपी टॉप। तो जो बीच वाला पूरा फॉल वाला पार्ट था उसमें क्या था, नीचे ऐसे बूटे की डिटेलिंग थी, जो नीचे फॉल वाला पार्ट होता है, तो ये वाले बूटे सारे नीचे जो दामन होता है सूट के उस पे आ गए। यहाँ पर ये पूरा स्ट्रेपी वाला सूट है, बैक से भी है, एंड बैक से भी उसमें ऐसे बूटे की डिटेलिंग है। अंदर मैंने इसमें भी लाइनिंग कॉटन की लगवाई हुई है। तो ट्रस्ट मी गाइज, ये सूट इतना ज्यादा वर्सटाइल होगा, मतलब ये ब्लैक कुर्ती मुझे एक मिल गई है, एक पूरी जैकेट मिल गई है, एंड साथ में एक ये ब्लैक पैंट है। अभी मैं इसकी डिटेलिंग आपको बताती हूँ साथ में, मतलब मैं इसको ऐसे भी वेयर कर सकती हूँ ब्लैक चुन्नी के साथ, या इसके साथ कोई भी कंट्रास्ट दुपट्टा ले सकती हूँ, मैं जैकेट के साथ पूरा यूज कर सकती हूँ, मैं इस कुर्ते को अलग से यूज कर सकती हूँ, ब्लैक पैंट भी बहुत तरह से यूज हो सकती है। तो मैंने इसी लिए सोच के कुछ ऐसा बनवाया कि मतलब कुछ ऐसा बनवाऊं कि उसको मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप में यूज कर सकूं। तो यहाँ पर ये पैंट है, साइड में इसमें पॉकेट मैंने एक पॉकेट दी है, उसके बाद हुक्स का क्लोजर जो है वो हुक्स का है, यहाँ पर ऐसे जिप है, पूरा एंकल लेंथ बनवाई है। प्लेन मैंने इसको रखा है लगवाने के लिए, तो मैं नीचे जो ये बूटी थी वो मैं पैंट्स में लगवा सकती थी, लेकिन फिर मेरी पैंट ब्लैक ये किसी और कुर्ते के साथ या किसी और ड्रेस के साथ नहीं रीयूज होती, तो मैंने इसको प्लेन ब्लैक पैंट बनवा ली। लास्ट जो मैं कुर्ती आपके साथ शेयर करूंगी जो साड़ी को रीयूज करके मैंने बनवाया है, वो है ये शिफॉन में अनारकली कुर्ती। इसका जो पल्लू वाला पार्ट था साड़ी का वो खराब हो गया था, उस पर कुछ निशान वगैरह लग गया था, तो वो रीयूज नहीं हो सकती थी पल्ला। तो मैंने क्या किया, मैंने जो बचा हुआ पार्ट होता है उसी से ये पूरा अनारकली मैंने कुर्ती बनवा ली। इसकी डिटेलिंग मैं आपको बताती हूँ क्या है। यहाँ पर इसका जो मैंने नेक बनवाया है वो थोड़ा सा कुछ इस शेप का बनवाया है, लाइक मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, मैं साइड में मेंशन कर दूंगी, कुछ बोलते तो इस नेक को, तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ये वाला नेक पैडिंग में बनवाया है मैंने, जिससे कि कंफर्टेबल रहे, क्योंकि नेक जो है थोड़ा सा ब्रॉड है, तो स्टेप वगैरह या फिर ब्रा वगैरह चमकती है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसको पैडिंग में बनवाया है। आप चाहे तो विदाउट पैडिंग बनवा सकते हैं, क्योंकि पीछे से ये बिल्कुल भी बैकलेस नहीं है, बंद है, लेकिन जो इस नेक का लुक आता है वो पीछे से बंद वाले नेक में ही आता है, इसलिए मैंने ये वाले नेक की डिटेलिंग दी है। और अभी मैंने आपके साथ यही शेयर किया है, क्योंकि अभी मैं सारे ड्रेसेस आपके साथ शेयर करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए इसके 2-3 पार्ट आपके साथ शेयर कर दूंगी। इस वाली कुर्ती में जो मैंने लाइनिंग लगवाई है वो शेंटून की लगवाई है, क्योंकि ये कुर्ती मुझे थोड़ी सी पार्टी वेयर टच में चाहिए थी, तो हल्का सा इसमें ब्लिंकी वाला इफेक्ट आ गया है, क्योंकि शेंटून में हल्का सा शाइनी होता है, अगर मैं कॉटन की लगवा रही तो बहुत ही थोड़ा डल डल सा हो जाता, तो इसलिए मैंने इसमें शेंटून की लाइनिंग लगवाई है। आप ये देखिए हल्का सा इसमें शाइनिंग भी आ रहा है। ये जो लाइनिंग है ये पूरी है नीचे तक, ये पूरी ये देखिए, और नीचे क्या है, मैंने यहाँ पर इसका थोड़ा फ्लेयर को थोड़ा सा सेट करने के लिए, जिससे वो लटका लटका ना लगे, मैंने यहाँ पर ऐसे एक ब्रॉड सा करके बुकरम की डिटेलिंग दी है, एंड इस पे ऐसे उन्होंने सिलाई लगवाई हुई है। उससे क्या है कि जो फ्रिल आई है वो बिल्कुल एकदम सेट है, ऐसे बिल्कुल जो नीचे से कुर्ती है वो लटक नहीं रही है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जब हम फ्लेयर डलवाते हैं कुर्ती में, क्योंकि काफी फैब्रिक है, तो उसके बाद अगर नीचे हम बुकरम की डिटेलिंग नहीं दिलवाते तो वो थोड़ी जो फ्लेयर होती है, मतलब तो वो लटकी लटकी हो जाती है, तो उससे कुर्ती का लुक बिल्कुल अच्छा नहीं आता।
नीचे मैंने यहाँ पर ऐसे इसमें पिको करवाई है, तो वो थोड़ा सा ऐसे जिगजैग वाला इफेक्ट आ रहा है। पीछे से बिल्कुल सेम ऐसे, जिसमें इसमें साड़ी में हल्का हल्का सा ऐसा डिटेलिंग थी छोटी छोटी बूटी की, वो मैंने ऐसी छोड़ दी है। बिल्कुल नॉर्मल ऐसे सूट है, जैसे अनारकली सूट होता है शॉर्ट में। एंड मैंने पूरी एंकल लेंथ ना रखे, थोड़ी नीचे से बस नीचे ही रखवाई है, क्योंकि इसके साथ मुझे चूड़ीदार या प्लाजो स्कर्ट वियर करना था, क्योंकि उससे क्या है कि इसका लुक और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सो गर्ल्स, ये है सारी ड्रेसेस जो बनवाई मैंने साड़ी को रियूज करके। आई होप आपके लिए जो वीडियो हो वो हेल्पफुल और यूजफुल रही हो। आप भी अपनी मॉम, भाभी, दीदी या अपनी कोई साड़ी जो आप पहन के बोर हो गए उसे रियूज कीजिए। अगर आपके पास शिफॉन की, फ्लावर प्रिंट की या फिर कोई क्रुक की जो प्रिंट होते हैं उस टाइप की साड़ी है, तो उससे आप ड्रेसेस बनवाइए, लॉन्ग ड्रेसेस, शॉर्ट ड्रेसेस, स्कर्ट। अभी नेक्स्ट मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप साड़ी से स्कर्ट वगैरह कैसे बना सकते हैं, क्योंकि स्कर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं शिफॉन की एंड जॉर्जेट की। इन वाली अगर जॉर्जेट एंड शिफॉन की साड़ी है तो कुछ ऐसा बनवा सकते हैं। एंड हैवी साड़ी है जिसमें पल्लू हैवी है, तो कुछ आप इस टाइप का सूट बनवा सकते हैं, थ्री पीस सूट बहुत ज्यादा यूज होगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल रही हो। पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि सबसे अच्छी ड्रेस आपको इनमें से कौन सी लगी। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। एंड गाइस, 50K के बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जल्दी जल्दी से 50K हो जाए। मोर अपडेट्स के लिए इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल.n.dine। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।